खरगोन जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा मार्च माह में शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर शासन की मंशा अनुरूप परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया। हम आपको बता दें कि वार्षिक परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया, जिसे कलेक्टर गोपाल चंद्र दाट सहित प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में जिले भर के केंद्र अध्यक्षों को परीक्षा सामग्री वितरित करके संबंधित थानों पर भेजी गई। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे ने बताया कि वार्षिक परीक्षा सामग्री केंद्र अध्यक्षों को बुलाकर संबंधित थानों पर भेजी गई है। वहीं परीक्षा का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। और जो समय आपको दिया गया है उसी समय अवधि में और निर्देशों के अनुरूप काम करें तो किसी को कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं रहेगी। प्रश्न रखने के लिए थैंक यू। ये सारी बातें हमारे करपे साहब और हमारे एडी साहब ने बता दी है और मैं चाहूँगा कि हमारे कलेक्टर साहब एडीएम साहब जो परीक्षा के संबंध में आपसे चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आपको अपने शब्दों के माध्यम से परीक्षा की पाक शुचिता के बारे में बताएं। केंद्राध्यक्ष की ही पूरी जवाबदारी उस पर रहेगी, कोई भी केंद्राध्यक्ष और सारे केंद्राध्यक्ष, यहाँ की यहाँ तक कि जो आपके पर्यवेक्षकों का जो टीम है जो यहाँ से इसको वेरीफाई किया हुआ है, कोई भी पूरी परीक्षा के दौरान कहीं पर छुट्टी पर नहीं जाएगा। विशेष परिस्थितियों में भी छुट्टी लेना है तो उसमें लिखा हुआ, उस पत्र में लिखा हुआ है कि सक्षम अधिकारी के पास आपका आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही जो है लीव पर जाए। और जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा जो है वो 2 मार्च से 3 मार्च शुरू हो रही है और आज जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो स्कीम आई है उसके माध्यम से उनकी उपस्थिति में कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षा की पूरी गोपनीय सामग्री प्रश्न पत्रों का वितरण पूरे 97 जो परीक्षा केंद्र बने हैं उनको वितरित किए जाएंगे। कलेक्टर साहब के जो निर्देश हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो निर्देश हैं उन निर्देशों को सभी केंद्राध्यक्षों और सहायक केंद्राध्यक्षों को विस्तृत हमने दिया है। परीक्षा की पाक शुचिता का पूरा ख्याल रखेंगे, जिले में कहीं पर भी नकल जैसी कोई स्थिति नहीं होगी, इस प्रकार के निर्देश सभी केंद्राध्यक्षों को दिए। कोई संवेदनशील केंद्र जिले में ऐसा कोई संवेदनशील केंद्र नहीं है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो कहा है कि जिन जहाँ पर स्वाध्याय के विद्यार्थी बैठते हैं उनको संवेदनशील माना जाए और वहाँ पर शासन निर्देश अनुसार कलेक्टर निर्देश के आदेश अनुसार वहाँ पर ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियाँ हमने अलग से की हैं, तो वहाँ पर एक पृथक से अधिकारी रहेंगे जो ऑब्जर्वर का काम। जिले में कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार 27 निरीक्षण दल बनाए गए हैं और 9 उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं जो कंटिन्यू सभी परीक्षा केंद्रों का तिथिवार जो है निरीक्षण कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र परीक्षा सेंटर में सर मोबाइल वगैरह या कुछ? मोबाइल वगैरह सब प्रतिबंधित है, मोबाइल पेजर किसी प्रकार का कैलकुलेटर कोई उपयोग नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।